तो हाँ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और अंडे का सालन। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, घर में बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगा। ऐसे लगेगा घर में हमने मटर और कीमा तैयार किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैमिली में शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मज़ेदार सा सालन कैसे तैयार होता है। रहीम अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हो, कि हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बनाएंगे मटर और अंडों का सालन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जो सबकी पसंद में होता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमने मसालों में से कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पीसा धनिया 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, गर्म मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के लिया मैंने, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच लिया, और कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, और प्याज मैंने ऊपर रख दिया ब्राउन होने के लिए। तो हाँ जी, मैंने प्याज रख दिया। ठीक है, ऑयल मैंने 1/2 कप ऐड कर दिया था। ठीक है, नॉनस्टिक है, इसमें थोड़ा सा ऑयल कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, तो इस वजह से। तो अब मैं प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। तो ब्राउन करने के बाद में जो इसके अंदर मसाले हैं, जो टमाटर है, वो मैं ऐड करूँगी अब। तो प्याज जो हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है, तो अब जो इसके मसाले हैं वो ऐड करूँगी। आधे मसाले में बाद में ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दूँगी। नमक भी ऐड कर दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी ऐड कर दूँगी मैं। तो इनको अच्छे तरीके से मैंने भूनना है। ठीक है, तो अदरक और लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने तैयार किया है, उसे भी ऐड कर दूंगी मैं। तो मसाले को चेक करते हैं फिर। मसाला हमारा जो तैयार हो रहा है, हमारे इसके अंदर जो टमाटर है वो ऐड कर देंगे। बस ये तैयार हो चुका है मसाला, तो अब मैं इसके अंदर जो है ना मटर वो ऐड कर दूंगी। जो कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मसाले का तो वैसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था, मटर ऐड कर दूंगी सब अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो हाँ जी, मटर जो हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फिर पानी ऐड कर दिया था अच्छे तरीके से भून के। ठीक है, तो अब मैं जो इसके अंदर 2 अंडे हैं वो ऐड कर दूँगी। आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, जितने आपकी फैमिली आप उस हिसाब से बनाइएगा। तो अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे इनको, बिल्कुल हमने कीमे की तरह इन्हें तैयार करना। तो अगर आप इन मटरों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे ना, तो तब इनका और ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। ठीक है, इस तरह तो आएगा टेस्ट, पर उस तरह कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो मेरा तो मिक्सर ख़राब था, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी दूंगी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो बस अच्छे तरीके से इनको मैंने भूनना है अब, और जो है इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। तो हाँ जी, ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इनको भून लिया। ठीक है, तो अब जो इसके अंदर जो हमारे मसाले थे बचे हुए, वो मैं ऐड कर दूंगी। काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया, ठीक है, और गरम मसाला, सब चीज़ें ऐड कर अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया, माशाल्लाह से इतने मज़े के ये तैयार हो चुके हैं। तो हाँ जी, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। ठीक है, नीचे से चूल्हे को ऑफ कर देते हैं, और माशाल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं। मटर भी हमारे गल चुके हैं, देख सकते हैं। तो चूल्हे को ऑफ करती हूँ मैं।
तो हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मटर और अंडों की। ठीक है, मटर अंडे ऐसे घर में खाने वाले ऐसे समझेंगे जैसे आपने मटर और कीमा तैयार किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।